हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर और एक नई वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाई, जो कि वो छोटा यूट्यूबर है या फिर बड़ा यूट्यूबर है, सभी ने वीडियो बनाई मेरे लिए और लोगों के लिए सतर्क रहने के लिए बोला। और उन लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर मेरी वीडियो शेयर की। तो फ्रेंड, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरी वीडियो ऐसा कोई मोबाइल से रिलेटेड ग्रुप ना था जिसमें मेरी वीडियो ना हो। बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया वीडियो को, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, कमेंट किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो भी यहाँ पर बनाई, जो कि सब कुछ बताया। तो यहाँ पर मैंने आपको जागरूक करने के लिए एक रूल बनाए हैं, जो कि रूल आपके सामने शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो कर लेना, जो कि मेरे साथ जो बीता है, मेरे साथ जो दुख आया है, वो शायद किसी को ना आए, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं कैसे झेल पा रहा हूँ। और बताना चाहूँगा, शायद ये वीडियो मैं अभी अपनी शॉप पर बना रहा हूँ, तो हो सकता है ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो हो शॉप पर। तो बाकी का जो वीडियो होगा शायद घर पर हो या फिर दूसरी शॉप पर हो। तो ये वीडियो मेरी इस शॉप में 10 साल हो गई है, 10 साल बीत चुकी हैं, तो ये शायद इस शॉप की मेरी लास्ट वीडियो हो। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर जो लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, बट उनसे मैं 1 रुपये भी नहीं लेने वाला हूँ। आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं, बट आपसे रुपये नहीं लूँगा। आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको इस वीडियो में ऐड दिखाई देंगे, जो कि उस ऐड को आप सिर्फ पूरा देखना है, बस यही एक हेल्प कर देना है। अगर आपकी जो वीडियो अभी देख रहे हैं, हो सकता है एक ऐड आ गया होगा और एक ऐड और देखने के लिए मिल जाए, तो उस ऐड को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। हो सकता है ज़्यादा बड़ा ऐड हो तो 1 मिनट ऐड देख लें और उसके बाद स्किप कर दें। अगर स्किपल ऐड आया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के एंड में जाना है। अगर आपके पास कोई भी ऐड नहीं आया है तो वीडियो के एंड में जाना है, आपको वीडियो के एंड में एक ऐड मिल जाएगा। हो सके तो उस ऐड को आप पूरा देख लेना, तो आपकी तरफ से मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जो मेरे लिए अर्निंग हो रही है अभी यूट्यूब पर काफ़ी अच्छी हो जाती है, बट आप जो हेल्प करेंगे वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा होगी। आपसे मैं 1 रुपये नहीं मांग रहा, नहीं कोई डिमांड कर रहा, न कुछ, सिर्फ आप मेरी वीडियो पूरा देख लें। अगर ऐड आए तो इसकी वाल ऐड आए तो कोई परेशानी नहीं, अगर ऐड आता है तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ रूल लिखे हैं, जो कि अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो हो गया। सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए आपको ये ना प्रॉब्लम आए और आपको ये पता चले, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी व्यू भी आएंगे मेरी वीडियो पर और मेरे साथ इतने लोग खड़े हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तो कुछ सबसे मैंने यहाँ पर रूल लिखे हैं कुछ, अगर इन रूल को फॉलो करते हैं तो शायद आपको भविष्य में ये प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। जो कि सॉफ्टवेयर करते हैं या फिर अनलॉकिंग करते हैं, वो सारे लोगों के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग नहीं करते हैं, आप यूट्यूब पर देखकर वीडियो को देखकर आप किसी फोन को हार्ड रीसेट करते हैं या FRP बाईपास करते हैं, तब भी ये रूल फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने रूल फॉलो किया, जो रूल है वो लिखा है यहाँ पर, कि आप अपनी दुकान में एक सामान कम रखें, आप अपनी शॉप में CCTV कैमरा जरूर लगाएं और उसमें हार्ड डिस्क इतना स्टोरेज रखें जो कि 1 महीने या 2 महीने तक वो सेफ रह सके। हो सके तो दिन में आप चालू रखना, रात को बंद करना अपना कैमरा। एक आइटम अपनी शॉप में कम लगाना, बट CCTV कैमरा अवश्य लगाना, सस्ते से सस्ता लगा लेना, थोड़ा उसमें शक्ल अच्छी आ जाए बस। दूसरा नंबर पे मैंने लिखा है, कस्टमर से आप बिल लें, कस्टमर से आप बिल लें। अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास बिल ना है तो उस कस्टमर से आप डिब्बा लें। तो जो फोन
मान के चल रहे हैं अभी 2021 स्टार्ट हुआ है, तो 2020 या 2019 का फोन होगा तो उसके साथ उसके पास बिल डिब्बा अवश्य होगा। अगर बिल फट गया होगा तो डिब्बा जरूर होगा। अगर इससे पुराना कोई फोन है, मान के चलते 2019 से पुराना फोन है, जैसे कि 2015, 16, 17, 15 तक के भी फोन आते हैं अनलॉकिंग के लिए, तो उस टाइप के फोन आते हैं, ओल्ड फोन आते हैं, तो उन पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट जरूर लें और उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखवा लें कि ये फोन मेरा है, मैंने इस टाइम अनलॉक कराया है अपनी जिम्मेदारी पर, ये फोन मेरा है, कोई चोरी का फोन नहीं है। वो फोन सस्ता हो महंगा हो इस पर कोई भी डिपेंड नहीं है, क्योंकि कोई फोन कत्ल का आ जाता है, कहीं पर कत्ल हुआ और वो फोन कम प्राइस का हो तब भी पुलिस एक्शन ले सकती है, ये चीज ध्यान में रखना है। ओल्ड फोनों के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और कुछ भी ले सकते हैं, और कस्टमर की सिग्नेचर उस आईडी पर जरूर लिखवा लें, उसका आईएमई नंबर लिखना है फोन का उस डॉक्यूमेंट पर, और सिग्नेचर ले लेना है और उस पर लिखवाना है कि ये फोन अपनी जिम्मेदारी पे अनलॉक किया है और ये फोन चोरी का नहीं है, इतना लिखवाना है खाली यहाँ पर। अगर कस्टमर बिल फिल ना दे रहा है, पहली बार तो बिल लें और ये भी जांच कर ले चोरी का फोन पहचान करने की, ये है कि उसके सिग्नेचर कराएं और उस कस्टमर की सिम डलवाएं फोन पर। तो यहाँ पर कस्टमर से अपना खुद का उसी कस्टमर का उस फोन में सिम लगवाएं और वो सिम ये देख ले कि उसमें नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं है, चालू सिम है या नहीं है, उसे वेरीफाई, जितना वेरीफाई हो सके उतना वेरीफाई करें। आप सॉफ्टवेयर का काम कम करें, हार्डवेयर का काम जितना करा जाए उतना करें, कोई टेंशन नहीं है, सॉफ्टवेयर का काम जितना करें उतना आप सेफली करें अपना। और यहाँ पर मैंने ये लिखा है पांचवें नंबर पर, अगर कस्टमर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता है, बिल डिब्बा नहीं देता है, तो उसका फोन बिल्कुल भी अनलॉक ना करें, बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर ना करें, और हो सके तो उसको धमकी दें कि हम आपको पुलिस पर पकड़वा सकते हैं, जो कि दूसरी शॉप पर ना जाए, दूसरे अपने जैसे शॉपनर को, अपने जैसे दुकानदार को परेशान ना करें कि झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा कस्टमर। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि वो बोलेंगे के पीछे तो अनलॉक करने के लिए तैयार था बट वो पैसे ज्यादा मांग रहा था, तो ऐसे कुछ बहाने लेते हैं कस्टमर, जो कि 10 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बहाना ले ही लेते हैं। तो आप उनका फोन बिल्कुल भी ना पकड़े। अगर आप सभी लोग ये सारे रूल फॉलो करते हैं तो शायद हो सकता है कोई ना अनलॉक करे ऐसे फोन को, और जो कर रहा है वो करने दो, कोई परेशानी, वो अपने रिस्क पे कर रहा है, हो सकता है उसको दंड झेलना पड़े या फिर कुछ भी है, तो आप खुद सेफ रहो। मान के चलते हैं बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल भी आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाले थे कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने अपनी जो जमीन है वो गिरवी रखकर काम सीखा है या फिर काम किया है, दुकान डाला है, अगर उस टाइम उस पर कोई चोट लग जाए, रुपए की कोई ऐसा झाड़ पड़ जाए जो मेरे साथ हुआ है, तो समझो क्या हो सकता है, तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। हो सकता है उन बहुत ज्यादा कठिनाई पड़े, टाइम पर रुपए ना मिले और उसे जेल भी जाना पड़े, क्योंकि सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग करना एक शॉप पर अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, सिर्फ अथॉरिटी मिली हुई है तो वो है सर्विस सेंटर पर। आप तो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, बट आप उसका ये वेरीफाई कर लें कि फोन उसी का है या नहीं है। अगर मान के चलते हैं, हम आज प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम किसी भी फोन का लॉक नहीं खोलेंगे और ना ही सॉफ्टवेयर करेंगे, कोई चोरी का फोन है, अगर रियल बंदे का फोन है तो उसका अनलॉक करेंगे, तो शायद हो सकता है कोई भी बंदा ना करे, भारत में कोई ना बंदा करे, जो कि मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने ये रूल फॉलो किए बनाई है आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो कि मेरे साथ इतने लोगों ने वीडियो बनाई, मेरे लिए मेरे साथ इतना दिया, जो कि व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे रूल पे रूल बताने लगे, बोलने लगे हम अनलॉक नहीं करेंगे, और बहुत लोगों ने तो स्टिकर बना के अपनी दुकान पे लगा लिया, ये भी किया, मेरे पास इमेज आए कि हम अनलॉक नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ये सबसे अच्छा बेहतर है कि वहां पर जो कस्टमर आता है उसे सेफली करो। और यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है,
जो फोन बेशक वो चोरी का नहीं है, वो आप अनलॉक कर रहे हैं, तो उसका जो आपने बिल डिब्बा लिया उसका इमेज खींचे, डॉक्यूमेंट लिया डॉक्यूमेंट का इमेज खींचे, डॉक्यूमेंट ना ले, बस आपको क्या करना है उसका एक इमेज लेना है, सिग्नेचर लेना है और आईवी नंबर के साथ साथ एक स्क्रीन शॉट ले लेना है फोन का, आईवी नंबर टाइप करके *#06# से आईवी नंबर निकाल के और उसका इमेज लेके एक फोल्डर बना लेना है। जैसे कि मान के चलते हैं वीवो 91 अनलॉक किया, तो वीवो 91 प्लस डेट और उसे सारे डॉक्यूमेंट जो लिए हैं उसमें सेव करके रख ले टेक्स्ट फाइल में या फिर इमेज के थ्रू उसे रख ले और अपने पीसी में या फिर गूगल ड्राइव पर सेव करते रहे जो भी आपने काम किया है। तो ऐसे क्या है कि आपका डाटा भी सेव रहेगा, कुछ लोगों कुछ जो लोग आते हैं या फिर पूछताछ करते हैं उन लोगों के लिए आप बता सकते हैं। इतना हो सकता है अगर आप तब भी कोई झाड़ पड़ता है तो आप बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं तो कुछ रुपए दे के आप छूट सकते हैं। तो इतना चार्ज नहीं देना पड़ेगा जो कि मेरे लिए झेलना पड़ा, क्योंकि मेरे से दो केस हुए थे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं झेल गया। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इस बात पर सहमत हों तो, वैसे मेरा जो मकसद है वो मेरे आइडिया आया था माइंड में तो मुझे कुछ अच्छा लगा, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, अगर अच्छा ना लगे तो मैं अपने ऊपर ही बोल रहा हूँ। मान के चलते हैं किसी भी एक गरीब लड़के ने शॉप खोली मोबाइल रिपेयरिंग की और उस पर कोई भी ऐसा दंड पड़ जाता है, पुलिस केस पड़ जाता है या फिर उसकी शॉप में कुछ नुकसान हो जाता है या फिर वो शॉपनर है जो दुकानदार है वो किसी भी तरीका से बीमार हो जाता है और उस पर पैसे नहीं है उस टाइम, तो क्यों ना हम तुम जो रिपेयरिंग करने वाले हैं उसकी हेल्प करें। मान के चलते हैं उसकी दुकान पे 25-30 हजार रुपये, 40 हजार रुपये का नुकसान हो गया और जो हमारी वीडियो पर अभी फिलहाल व्यू आ जाती है करीब 3-4 हजार व्यू आ जाती है, ज्यादा भी आ जाती है कम भी आ जाती है, 1000-2000 भी आ जाती है ना तो ऊपर भी पहुंच जाती है 5000 के, तो क्यों ना उसकी हेल्प करें। मान के चलते हैं हमने आज अपनी शॉप में 500 रुपये कमाई, मान के चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में एक मजदूरी 400-500 रुपये के बीच में मानते हैं और जो शहर में दुकान है उनकी मजदूरी ज्यादा होगी क्योंकि उनकी किराए भी हो सकता है 500 रुपये पर डे हो, तो 1000 रुपये शहर वाले ने 1000 रुपये कमाए और गांव वालों ने कमाए 500 रुपये, तो हो सकता है उसमें से 50 रुपये निकाल के किसी गरीब की मदद कर दें। तो माइंड में एक आइडिया आया जो कि अपने को देखकर हो सकता है किसी और लोगों के साथ भी ऐसा हो, तो हो सकता है उसकी भी हम हेल्प करें YouTube के जरिए। 50 रुपये आप देते हैं तो 50 रुपये अगर 500 लोग देते हैं तो 25,000 रुपये करीब 25-30 हजार रुपये बैठ जाएंगे, अगर 500-600 हजार लोग भी देते हैं तो बहुत ज्यादा रकम हो जाएगी और उसका भी काम चल जाएगा। अगर इस बात पर अगर सहमत हो तो मैं इस पर एक डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊं, अगर आप सहमत हो, अगर बुरा लगे तो सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, बट मेरे लिए कुछ अच्छा लगा, अपने हृदय में झांककर देखा, कुछ लोगों के वीडियो वो आए थे, कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि हम इतने गरीब परिवार से हैं, ऐसे ऐसे क्या है, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो बताओ क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना इस पर एक सॉल्यूशन निकाला जाए, जो कि हम तुम रुपये तो कमाते ही रहते हैं। मान के चलते एक सैमसंग का फोन आया, उसमें चार्जिंग पिन के लिए माइक के लिए हो सकता है खोलते समय फोल्डर क्रैक हो जाए, उसका फोल्डर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो हमारे लिए 1000-1500 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इतना नुकसान होता है तो क्यों ना 50-50 रुपये देकर किसी दूसरे बंदे की हेल्प हो जाए, गरीब बंदे की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर बुरा लगे तो फ्रेंड वीडियो को अनलाइक कर देना, जो कि मेरे लिए पता चल जाए कि ये गलत हुआ, गलत है जो मैंने आपको बताया, अनलाइक करना है सिर्फ, कमेंट न करना है तो मुझे लग जाएगा कि हाँ आपको गलत लगा है। तो बस इतना ही हो सकता है, ये वीडियो मेरी शायद आज लास्ट वीडियो हो इस शॉप में, हो सकता है अगली वीडियो और शॉप में या फिर घर पर हो, तो कोई बात नहीं, हंसते हंसते बनाएंगे इस वीडियो को, जो हुआ वो हुआ, सोने तो कोई परेशानी नहीं है, नो टेंशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो थैंक फॉर वॉचिंग।